केरल राज्य अपने सौंदर्य के लिए काफी मशहूर है। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर भी यहाँ काफी मशहूर है। इस मंदिर में देश विदेशों के लोगों का आवागमन हमेशा बना रहता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की एक विशालकाय मूर्ति विराजित है। भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में से एक है। विश्व का सबसे अमीर ये मंदिर काफी रहस्यमय भी है। आपको बता दें कि इस मंदिर में करीब 1,32,000 करोड़ की मूल्यवान संपत्ति है। कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में श्रवणकोर के राजाओं ने पद्मनाभ मंदिर का निर्माण करवाया था। 1750 में महाराजा मातरंड वर्मा ने खुद को पद्मनाभ दास बताया, जिसका अर्थ होता है प्रभु का दास। इसके बाद से ही इस शाही परिवार ने खुद को भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया और इस वजह से श्रवणकोर के राजाओं ने अपनी पूरी संपत्ति पद्मनाभ मंदिर को सौंप दी। साल 1947 तक श्रवणकोर के राजाओं ने इस राज्य में राज किया। हालांकि आज़ादी के बाद इसका भारत में विलय होने के बावजूद भी सरकार इस मंदिर को श्रवणकोर के शाही परिवार को सौंप देती है। वर्तमान में इस मंदिर की देखरेख का कार्य शाही परिवार के अधीनस्थ एक प्राइवेट ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। इस मंदिर में इतनी अपार संपत्ति होने के कारण इस मंदिर के दरवाजे खोलने के लिए लोगों ने इस पर जोर डाला था और सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी और जिसका समर्थन सुप्रीम कोर्ट ने भी किया गया था। अब तक मंदिर के 6 दरवाजे खोले जा चुके हैं, जिसमें करीब 1,32,000 करोड़ के सोने और जेवरात मिले हैं, लेकिन 7वें दरवाजे का द्वार को अभी भी खोला नहीं गया है। आपको बता दें कि इस गेट में ना तो कोई बोल्ट है ना ही कोई कुंडी लगी है, बल्कि इस गेट पर 2 सांपों के प्रतिबिंब लगे हुए हैं जो इस द्वार की रक्षा करते हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस द्वार को केवल मंत्रोच्चारण के द्वारा ही खोला जा सकता है। ऐसा कहा गया है कि यदि कोई सिद्ध पुरुष गरुड़ मंत्र का स्पष्ट और सटीक उच्चारण करेगा तो ही यह द्वार खुलेगा और यदि इसमें कोई गलती होती है तो उसकी मृत्यु निश्चित है।